सब गाओ, आप भी हमारे साथ गाएंगे तो अच्छा लगेगा। और गाने से देखो दो फायदा, एक तो नींद नहीं आएगी हम, और दूसरा आपको भी गाना आ जाएगा, इसलिए शर्माओ मत। ज्ञान की गंगा ऋषियों के ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, प्रयास करो।
तो सबने कहा कि प्रभु किसको भेजा जाए, तो सर्वानुमति से निर्णय हुआ कि उनकी बात हनुमान जी को नहीं, अंगद जी को भेजते। हनुमान जी गए एक बार तो लंका जलाकर आए, अब की बात भेजा ना तो रावण को सीधे जलाकर आए, हनुमान जी को भेजने जैसा अंगद जी को भेजा। अंगद जी युवराज हैं और बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े सयाने हैं, बड़े समझदार हैं और प्रभु के परम भक्त हैं। तो अंगद जी को भेजने का निर्णय लिया गया। अब अंगद जी चलने के पहले सबको प्रणाम करते हैं और भगवान राम को पूछा कि प्रभु मुझे ये तो बताइए वहां जाकर मुझे करना क्या है। तब प्रभु राम ने क्या संदेश दिया है अंगद को वो सुनने जैसा। काजु हमार तासु हित होई रिपुसन करे बतक ही सो। क्या संदेश दिया प्रभु ने, अंगद हमारा कार्य हो रहा है और उस बेचारे का हित हो रहा है, इतना ही करना है। काज हमारे पास ही आदमी ने कहा कि बाबा तीन वरदान बोले। हाँ
लेकिन एक शर्त है, तू जो भी मांगेगा ना तेरे पड़ोसी को वो डबल मिलेगी। तीन वरदान मांग लो, जो मांगना है मांग, लेकिन याद रखना तू जो भी मांगेगा तेरे पड़ोसी को दो मिलेगा। तू एक मोटर कार मांगेगा पड़ोसी को दो मिलेगी। उसने कहा ये क्या बात हुई प्रभु, मां पड़ोसी को ही जलाने के लिए तो मैं तपस्या करने आया और उसको ही डबल दे रहे हैं। नहीं नहीं महाराज, भगवान ने कहा तुम्हारी शर्त यही है, तीन दे रहा हूं तुझे, सोच ले। अब 10 मिनट उसने सोचा, ठहरो बाबा जरा 10 मिनट सोचने दो। 10 मिनट सोचा कि ऐसा क्या मांगू कि पड़ोसी को दो मिले तो पड़ोसी रोएगा, क्या मांगू ऐसा, एक मकान मांगूंगा तो पड़ोसी का दो बन जाएगा। तो 10 मिनट सोचने के बाद उसने हाँ बाबा अब मैंने सोच लिया है, मैं एक मांगू तो पड़ोसी को दो मिलेगा ना। बोले हाँ, तो महाराज पहला वरदान ये दीजिए मेरी एक आंख फूट जाए। भोलेनाथ भी भाग खड़े हुए कि पहली बार ऐसा कलयुग की भगत दी, हम पड़ोसी का हित नहीं चाहते साहब, दुश्मन का कौन। सीखो प्रभु राम से, दुश्मनी भी करण कहे तो एक आदर्श, दुश्मन भी भगवान राम के सिवा नहीं हो सकता। हर चरित्र को भगवान राम ने जिकर दिखाया, इसलिए भगवान राम का चरित्र हम सब के लिए आदर्शवान चरित्र है। और वर्तमान समय में हर व्यक्ति को भगवान राम के चरित्र की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। तो 7 दिनों में हम लोग भगवान के चरित्र से सीखने का प्रयास करेंगे। रामचरित मानस में 7 कांड बाबा तुलसी ने रखा, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, गंगा कांड और उत्तर कांड, ये 7 कांड है रामचरित मानस में। 7 कांडों का बाबा तुलसी ने बड़ा सुंदर रामचरित मानस रखा है। और रामचरित मानस आप सभी परिचित हैं वैसे तो, फिर भी एक संत ने रामचरित मानस को सुर तरु की कलश यात्रा में पूरे मेरठ के लोगों ने
आपके ही भजनों पर क्या नृत्य किया, आनंद लिया और आज कन्हैया जी हम सब के बीच में प्रकट हो गए दर्शन देने के लिए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हाँ, आप ही हमारे कन्हैया जी। और कल हमारे सांसद साहब कह रहे थे कि बापू नेताओं के सारे भाषण एक तरफ और आपकी लाइन, आपकी पंक्तियां, उसने तो कमाल ही कर दिया पूरे उत्तर प्रदेश में, और केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में। जय जयकार होने लगी राम जी की। ऐसे हमारे कन्हैया कुमार जी भगवान राम की भी परम भक्त हैं और भारत माता के प्रति तो अगाध श्रद्धा रखने वाले। अभिनंदन आपका। श्री राम जिसने जिसने भी रामचरित मानस का आश्रय किया भगवान ने उसको सब कुछ दे दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भारतवर्ष में आज भी रामचरित मानस का पाठ करते 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 सर्वस्व प्राप्त करें। ये मेरे प्रभु का स्वभाव है। हम जो भी मांगते हैं ठाकुर हमें निश्चित देते हैं, लेकिन शर्त यह है अनन्य भाव से पूर्ण भरोसे के साथ ठाकुर के चरणों को पकड़े रहा। जो इच्छा धरि हम मन माही प्रभु प्रसाद कछु दूर भक्त के मन में कोई भी कामना हो परमात्मा जरूर पूर्ण कर दे। रामचरित मानस संत लोग कहते हैं कल्पवृक्ष है, और कल्पवृक्ष की ऐसी महिमा है उसके नीचे बैठकर जो भी हम सोचें तत्क्षण पूर्ण होता है। कथाओं से भी आप भरोसा मान करके चलना, आप जो भी मन में कामना लेकर आओगे ना अवश्य पूर्ण होगा। लेकिन हाँ, शर्त यह है भाव से डूब कर सुनो। तो महाराज दशरथ जी ने कहा वशिष्ठ जी को, मोरे अनुभय सब महाराज दशरथ जी ने कहा कि मेरा खुद का अनुभव है, सब कुछ मैंने पा लिया, गुरुदेव के वचनों पर भरोसा रखा, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। पुत्र मिला तो साक्षात परमात्मा, पुत्र वधु आई तो साक्षात जगदम्बा, और जिसको राम ही मिल गए हो साहब उसको और क्या चाहिए। हाँ, सर्वस्व मिल गए। रामायण सुरतरु है, कल्पवृक्ष है। आप जो भी सोचकर अपने मन में कामना लेकर आओगे अवश्य पूर्ण होगा। तो संतों ने रामचरित मानस की महिमा बताई और अब रामायण को आरंभ किया है बाबा तुलसी ने। बालकांड से आरंभ किया बाबा तुलसी ने, और बालकांड से इसलिए, कांड का मतलब घटना और बाल मतलब बचपन। हमारा आपका बचपन कैसा हो पहले वो दर्शन करें, भारत का बचपन कैसा हो, बाल्यकालिक अवस्था कैसी होनी चाहिए वो सीखो बालकांड से। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पेरेंट्स भारत के बाल्यकालिक अवस्था को जो संस्कार देना चाहिए उससे दूर हो रहे हैं। इसलिए माता पिता की भी विशेष जिम्मेदारी हो जाती है
बालकांड का दर्शन करके अपने बच्चों को भगवान राम के बालकांड का दर्शन कराए। हमारा बचपन कैसा कि बालकांड से इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखा लो करके, ये देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो करके। और आगे की लाइन में बड़ी प्यारी बात कही, रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो करके। सत्य का मार्ग इतना सरल भी नहीं है, बड़ा कठिन। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने पांव रखा, क्या नहीं सहना पड़ा। चार पुत्र धर्म युद्ध में मारे गए, तो दो को तो जिंदा चुरमा दिया। जब शोक मनाने प्रजा के लोग आए, गुरुदेव ने बड़ी प्यारी बात कही, अरे चार मिले तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। धर्म युद्ध में हमारे चार बच्चे नहीं हजार बच्चे भी शहीद हो जाते हैं तो मुझे कोई गम नहीं है, मेरे पास इतनी पूरी प्रजा मेरे बच्चे ही तो है। धर्म का मार्ग इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन। रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो करके। अपने बच्चों के भीतर गिरोना है और वो सीखना है हमें आंतरिक मानस। बालकांड से बाबा कुर्सी ने आरंभ किया है, सबसे पहले भगवान गणपति को और माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए इस ग्रंथ का मंगलाचरण किया। वर्णानार्थ संघाना रसानां चंद्रसामति मंगलानां चकर्तारौ गंधेवाणि विना। सबसे पहले माता सरस्वती को प्रणाम किया। देखो दादा कर हम लोग गणेश जी के साथ लक्ष्मी की वंदना करते हैं। अभी दीपावली पर घर घर में लक्ष्मी जी की पूजा हुई, गणपति जी की पूजा हुई, लेकिन बाबा तुलसी ने यहां गणेश जी के साथ सरस्वती जी को प्रणाम किया। वंदे वाणी विना। असल में सरस्वती जी वाणी की देवी हैं और गणेश जी ज्ञान के देव। तो हमारी वाणी बहुत अच्छी हो लेकिन ज्ञान ही हो, हाँ हम बोल के बहुत अच्छा हो लेकिन कब बोलना है, क्या बोलना है, कहाँ बोलना है और कैसे बोलना है, इसका ज्ञान ही ना हो तो ऐसी वाणी किस काम की। और ज्ञान बहुत हो पर प्रस्तुत करने का ढंग ही ना हो तो ज्ञान भी अधूरा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास ज्ञान बहुत था, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थे, साक्षात काली मैया से बातें करने वाले, लेकिन वाणी नहीं। इसलिए स्वामी विवेकानंद को साथ में लिया। रामकृष्ण परमहंस का ज्ञान और स्वामी विवेकानंद की वाणी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा करके रख दिया। जब दोनों साथ में आए, एक वाणी भी और ज्ञान भी, इसलिए हमारे पास वाणी भी हो और ज्ञान भी हो। पहले ही श्लोक में बाबा तुलसी ने जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र रखा है, वाणी और ज्ञान। देखो भाई ये जीव है ना,
ऐसा कहते हैं इसमें चोट लग जा रहा है, तो कुछ ऐसे केमिकल्स ऐसे रसायन होते हैं दिवा में, कोई दवा लगाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्द खुद ठीक हो जाती है। जीव पर चोट लग जा रहा, आप अनुभव करते होंगे, अपने आप थोड़े दिनों में ठीक हो जाता है। जीव पर चोट लग जा रहा ठीक हो जाता है, लेकिन जीव से किसी को चोट लग जाए ना तो जीवन पर्यंत वो ठीक नहीं होता है। महाभारत का युद्ध प्रमाण है, एक जीवा से बाण छोड़ा था द्रौपदी ने, अंधों के अंधे ही होते हैं, वो बाण ऐसा चुहा दुर्योधन के हृदय में, महाभारत का युद्ध हो गया, खत्म हो गया दुर्योधन, लेकिन उस बात को बोल ना पाया। इसलिए प्यारे वाणी को बहुत संभाल कर प्रयोग करना है। ये जीभ में हड्डी नहीं होती हां, लेकिन यदि जीभ चाह ले तो तुम्हारी सारी हड्डियां जरूर तोड़वा सकती है, इतनी खतरनाक है बगैर हड्डी की जीभ। इसलिए भगवान ने डबल लॉक दिया इसको, आगे सॉफ्ट होठों का, अंदर और मजबूत दांतों का लॉक दिया है प्रभु ने, बहुत संभाल कर प्रयोग करना भैया, बगैर हड्डी की जीभ है लेकिन सारी हड्डियां तोड़वाने का सामर्थ्य रखती है। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का पखोल और उनको शीतल करे, आप शीतल हो। कोई श्रोता बीच में बोलते हैं ना, वो दोष लगता है,
लेकिन नारदीय शैली की जो कथा है, ये जो कथा हो रही है, अब नारद जी तो स्वयं संगीतकार हैं, वीणा उनके हाथ में होती है, संगीत में जो कथा है ना, ये नारदीय शैली की कथा है। इसमें श्रोता वक्ता दोनों को बोलना पड़ता है। इसमें यदि श्रोता चुप बैठे रहेंगे ना, तब दोष लगेगा। इसलिए चुप नहीं रहना, गाने की बारी आए तो हमें कहना ना पड़े, अपने आप शुरू होता। जय 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 रे सुन लें।
उसके बाद फिर आपको हरिद्वार के लिए हम प्रस्थान करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन हमारे कन्हैया कुमार जी का। आप भारतवर्ष के बड़े लाडले और बड़े प्यारे गायक हैं। अपनी मीठी और मधुर वाणी से आपको जितनी भी आपका मन करे। बोलिए रामचंद्र भगवान।